इसके अलावा पाकिस्तान की इस हार पर हमला जिन्होंने बोला है उसमें एक और नाम शामिल है। रमीज राजा ने तो हमला बोला ही है। इसके अलावा पाकिस्तान टीम के पूर्व क्रिकेटर कामरान अकमल ने भी अपने YouTube चैनल पर टीम को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि बीते 5 सालों में जो पाकिस्तान क्रिकेट में हुआ है उससे किसी ने कुछ सीखा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तो रिजवान ने 50 रनों की पारी खेल दी और स्कोरबोर्ड चलाया, वरना पारी से हार जाते हम लोग। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये इतनी बुरी हार है कि ये भूली नहीं जाएगी। आप किसी का बुरा सोचोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। आपने पिछले 5 सालों में कुछ नहीं सीखा। आप जिम्बाब्वे से हार गए, पिछले साल एशिया कप से आप बाहर हो गए थे। आप इतना जलील हुए हैं कि वर्ल्ड कप में ग्लोबली पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक बन चुका है। तो एक बड़ी स्टेटमेंट यहां पर कामरान अकमल ने दी है। उन्होंने कहा है कि पूरे विश्व में पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक बन चुका है और जिस तरीके से आप पिछले 5 सालों में खेल रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पर कोई क्लब क्रिकेटर्स बल्लेबाजी कर रहे हैं, किसी क्लब के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है। उन्होंने यहां पर बांग्लादेश की भी तारीफ की है। अगर बात करें तो उन्होंने कहा बांग्लादेश को मैच बचाना था और उन्होंने सिर्फ ये नहीं किया बल्कि उन्होंने मैच जीत भी लिया। कामरान ने कहा कि ये बांग्लादेश के लिए मुश्किल समय है लेकिन उनके बल्लेबाजों ने रन किए, उन्होंने टेस्ट मैच बचाना था और उन्होंने बचाया नहीं बल्कि इस टेस्ट मैच को जीत भी लिया। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की कलाई खोल दी, हमारे बल्लेबाज क्लब क्रिकेटर्स की तरह बैटिंग कर रहे थे। तो साफ तौर पर यहाँ पर उन्होंने आरोप भी लगाया और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की अप्रोच काफ़ी ख़राब थी। खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में हंस रहे थे, कोई गंभीरता नहीं थी क्योंकि उन्हें पता था कि कोई कुछ नहीं पूछेगा, कोई सवाल खड़े नहीं करेगा। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट की तो बुरी हालत है ही, लेकिन अगर आप मैनेजमेंट भी देखेंगे, अगर आप बोर्ड में बैठे लोग या फिर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स किस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं उस चीज पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं। और ये सवाल निकल कर आ रहा है कि क्या पाकिस्तान की टीम में यूनिटी नहीं है, क्यों पाकिस्तान के खिलाड़ी हारने के बावजूद हंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्यों वहां पर कोई गंभीरता कोई सीरियसनेस नजर नहीं आ रही है। ये सारे सवाल कामरान अकमल ने उठाए हैं। इन सवालों पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान की हार का यही कारण है, क्या एक अतिरिक्त स्पिनर खिलाना चाहिए था? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं।